नगर निगम प्रशासन द्वारा जल्द ही महानगर के दो पार्कों का सौंदर्यीकरण कर नगरवासियों के मनोरंजन के लिए खोल दिया जाएगा। नगर निगम परिसर में स्थित पोखरी में बन रहे म्यूजिकल फाउंटेन पार्क के सामने चाट गली बनाया जा रहा है, तो वहीं लालडिग्गी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जा रहा है, जो लोगों के मनोरंजन का बेहतर साधन बनेगा। आपको बता दें कि नगर निगम परिसर स्थित पोखरी में तकरीबन 2 साल पहले म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना की गई थी। पिछले साल इसका ट्रायल भी हो गया था। इसे शुरू करने की दिशा में काम चल ही रहा था कि कोरोना वायरस की पहली लहर आ गई। इसके बाद म्यूजिकल फाउंटेन को नहीं चलाया गया और रख रखाव के अभाव में घास भूस जम गया, जिसकी साफ सफाई और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा महानगर के दो पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इन पार्कों में म्यूजिकल फाउंटेन को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत म्यूजिकल फाउंटेन पार्क की साफ सफाई के साथ बाउंड्री वॉल बनाने के साथ ही चाट गली तैयार करवाया जा रहा है, जहां पर शहर के मशहूर चाट, फुल्की, डोसा, इडली, सांभर, वड़ा पाव के स्टॉल लगाया जा रहा है, जहां पर शहरवासी शाम को म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लेने के साथ अपने मनपसंद के भारतीय और चाइनीज फूड का मजा ले सकते हैं। इसके साथ लालडिग्गी पार्क में भी म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का काम चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए नगर निगम के जो पार्क में इस वक्त दो हमारे यहाँ दो मतलब पार्क जिनको हम लोग बहुत तेज़ी से जिस पे तैयारी कर रहे हैं, एक तो नगर निगम परिसर के भीतर जो है पोखरा में जो एक म्यूजिकल फाउंटेन हमारा है, जो कि बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि बैंगलोर और जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी टक्कर का है, और उसी के बगल में हम लोग जो एक जो हमारा स्पेस है उसमें हम एक दी चाट गली के नाम से एक स्ट्रीट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि शहर के जो मशहूर जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे कि चाट है, फुल्की है, डोसा है, इडली है, सांभर है, बड़ा है, उस सब चीज़ों को, चिल्ला है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा और शाम के टाइम इसको ओपन किया जाएगा, जिससे शहर भर के जो हमारे युवा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य जो सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ पर आए बैठें और शाम के समय में जो म्यूजिकल फाउंटेन का नज़ारा लें और साथ साथ उसमें जो गाने बजेंगे उसका भी आनंद उठाएँ और साथ साथ जो है वहाँ पर जो चाट इत्यादि है, छोले भटूरे हैं, उनका भी पूरा जो है स्वाद लें। तो इसका ये कंप्लीट पैकेज नगर निगम देना चाह रहा है अपने शहरवासियों को और मेरी पूरी उम्मीद है कि हम 13 तारीख का इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और पहले दिन हमने इसको फ्री रखा है अपने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए, उनके परिवार के लिए, अपने सम्मानित पार्षदगण और उनके परिवार के लिए, प्लस हमारे मीडिया के जितने हमारे सहयोगी बंधु हैं उनको और उनके परिवार को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सब लोग पहले दिन आएंगे, एक साथ हम लोग बैठेंगे और एक सभी लोग एक साथ मिलकर इंजॉय करेंगे। उद्देश्य यही है कि इससे एक पूरा मैसेज भी जाएगा और जो एक मतलब एक घूमने के लिए, देखने के लिए एक पारिवारिक माहौल भी हम यहाँ दे रहे हैं, जिसको सब लोग पूरे मिलकर इंजॉय करेंगे। मुझे पार्क के लिए कोई फीस भी निर्धारित की है? अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसको, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें टिकट भी लगाएंगे, क्योंकि टिकट लगा के व्यवस्था पूरी बनी रहे और हर चीज़ एक बहुत ही करीने से सिस्टमेटिक वे में कराएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा लालडिंगी वाला भी जो पार्क है, जो नेहरू पार्क है, उसकी भी हम लोग ओपनिंग जो है बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और वो भी हमारा पार्क जो है आप उसे कह सकते हो कि एक राष्ट्रीय स्तर का पार्क है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। उसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके भी खेलने की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे फाउंटेन हैं, म्यूजिक है उसमें। तो अगर जो लोग जाएंगे वहाँ पर घूमने के लिए फैमिली के साथ वहाँ, तो उनको वहाँ पर बहुत ही आनंद होगा निश्चित रूप से। तो इसको भी हम लोग इसी महीने में हमारे दोनों पार्क जो हैं हम एक बार पुनः, चूँकि कोरोना काल में ये बंद रहे थे और उस बीच कुछ निश्चित रूप से जैसे घास और झंगाड़ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उन सबको जो चीज़ें बहुत से हमारे फाउंटेन वगैरह बंद रहे उनको ठीक करा रहे हैं। तो इसी आने वाले कमिंग वीक में हम इन सब दोनों पार्कों को पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे।